हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं किरण नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक सुबह सुहाने मौसम के साथ। और कोटा का मौसम है बहुत सुहाना। 4 दिन से यहाँ बहुत ठंड थी, पर अभी और 4 दिन में इतनी अच्छी धूप निकली आई ना कि क्या बताऊँ। थोड़ा थोड़ा गर्मी सा महसूस हो रहा है। और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 9 बजे से, क्योंकि आज है आदि का बर्थडे। और हम आदि का बर्थडे कैसे मनाएंगे, मैं वो सारी वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी। और मैं आज बनाऊंगी आदि के लिए गाजर का हलवा और चने के दाल की भजिया। चलो बनाते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कोटा का मौसम कि कोटा में मौसम कैसा हो रखा है। ऐसे ही धूप रहेगी ना कोटा में तो देखना, फरवरी में ही इतनी गर्मी हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि फरवरी का मौसम है। चलो स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना, क्योंकि मैंने क्या मतलब बेटा ने मेरा रात के 12 बजे कद्दूकस करके रख दिया था गाजर। तो फिर अभी बनाते हैं गाजर का हलवा कि मैं कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा, चलो देखते हैं। और मैं बनाऊंगी दाल की कचौरी भी। कचौरी मीन्स वाला कचौरी नहीं, भजिया। भजिया आदि को पसंद है, प्याज के पकौड़ी, भजिया। तो आज उसका बर्थडे है तो ये सब तो बनता ही है। और आदित्य की क्या आदत है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता कि ये चाहिए वो चाहिए। दिला दिया तो ठीक है, नहीं दिला तो कोई बात नहीं। पूछ भी लेते ना कि क्या चाहिए, तो वो खुद ही बोलते हैं मम्मी जो आप लोगों को पसंद है वही करो। पर ऐसा अलग से डिमांड नहीं रहता उसका कि ये दिला दो ये। अगर बाय द वे कभी डिमांड भी करेगा तो बस 1-2 दिन, जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं ना जिद करते हैं कि नहीं चाहिए चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, चाहे वो बड़ा बच्चा हो छोटा। पर वो आदित्य कभी ऐसा जिद नहीं करता कि ये चाहिए। तो फिर हम बोलते हैं यार ये कभी मतलब बोल भी देते हैं तो जिद नहीं करते, तो इसी चक्कर में हम उसके लिए सामान ले आते हैं कि यार ये कभी जिद नहीं करता, डिमांड नहीं करता इस तरह की। आदित्य है बहुत समझदार हमारा। तो शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। कुकर भी गर्म हो चुका है और दूध मैंने चढ़ा दिया पर मैंने दूध को गैस ऑन करना भूल गई। ये बन चुका है हलवा और मैं उसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ये डाल दिया मैंने, ड्राई फ्रूट भी अभी नेगी जी को देंगे। देखो भजिया भी बन गया, कुछ तो मैंने खा भी दिया भजिया। अभी नेगी जी से पूछते हैं कि हलवा और दाल की भजिया कैसी बनी है। क्योंकि आदि तो गया है, एलन और आर्यन गया है नीचे, तो बच्चे हैं नेगी जी। लीजिए नेगी जी, आपका भजिया आ गया, भजिया भजिया और हलवा। वाह क्या बात है। से पूछते हैं इसमें कितना नंबर मिलेगा, कितने मार्क्स दोगे मुझे? सही बताओ, सही ईमानदारी से 10 में से कितने मार्क्स आएंगे? 8। बाप रे, 2 मार्क्स काट दिए, अब नहीं मिलेगा बनाया हुआ। अब फ्रैंक भी देख रहा है कि क्या खा रहे हैं। नहीं दे सकते ना। हाँ ठीक, आदि को देते हैं। ले आदि, दो अभी टेस्ट करो और बता। अच्छा हो रहा है मम्मी। और हम शाम के टाइम जा रहे हैं मंदिर आदि को लेके, क्योंकि आदि आया फिर एलन से, फिर नहाया धोया, फिर हलवा खाया, फिर मैंने कहा चलो अभी शाम को ही जाते हैं। अब फ्रैंक देखो पता नहीं क्या देख रहा है, क्या सोच रहा। फ्रैंक चलो चलते हैं मंदिर। ये है हमारी सोसाइटी का मंदिर, चलो दर्शन करेंगे आप। राम सीता लक्ष्मण, ये हनुमान जी, देखो माता रानी। आदि लोटा तो लिया, लोटे में पानी भर के लिया, लोटा वो उसमें होगा। मंदिर में आके बहुत सुकून मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हम आ चुके हैं भगवान के दर्शन करके, अभी लिफ्ट भी आने वाली है। चला जा दी। और हम जा रहे हैं आदि के साथ डिनर करने, अभी कहाँ जा रहे हैं ये डिसाइड नहीं हुआ। ये देखो ऐसा
शाम का नजारा। और हम पहुंच गए रेस्टोरेंट सीसा रेस्टोरेंट। चलो दिखाती हूँ मैं आपको अंदर का नजारा। इतना अंधेरा क्यों है भाई? तो आदि के बर्थडे का केक आ चुका है। आदि कौन सा? चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर। Happy birthday to you. Happy birthday, Adi. Happy birthday to you. खिला खिला और बाहर देखो दोस्तों, शादी भी हो रही है कहीं, कोई बारात शादी है, कोई फंक्शन है शायद कुछ, या तो फिर लोग शादी अटेंड करके आ रहे हैं। आ गया है डिनर, अभी हम डिनर कर रहे हैं, सब आदि के फरमाइश पे आया हुआ। तो कैसा रहा बर्थडे पार्टी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे बाकी आदि जाने। और कल किसका बर्थडे है? कल आपका बर्थडे है। उसके लिए क्या प्रोग्राम है? उसके लिए कुछ प्रोग्राम नहीं है। हमारा खाना पीना हो चुका है और हम जा रहे हैं घर को। बहुत अच्छा खाना था और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट और मजा आ गया। वाह क्या बात है, मजा आ गया, वही वाली बात है। देखो देखो कोटा का शाम का नजारा, किशोर सागर तालाब बोलते हैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में, जी क्या बोलते हैं, KST। और बहुत सुंदर है सागर तालाब। और यहाँ ये जो आप सात घोड़े देख रहे हैं ना, पहले ये कहीं और था, अभी इसको शिफ्ट यहाँ किया गया है। शायद अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा आपको, पर ये देखो ये हाँ, और कोटा का सबसे सुंदर चौराहा बोला जाता है इसको, है ना पम्मी? कौन सा जगह है ये? ये अंटा घर चौराया। 10 बजे में लोग यहाँ पर रील्स वीडियोस बनाने बहुत आते हैं। इतने रात को भी झाड़ू लगा रहे हैं, देखो भैया, गुड जॉब। और हाँ गाइस, कैसे लगा आज का ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब